छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का एक दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक मादा बंदर छोटी सी बच्ची को अपना बच्चा समझकर तकरीबन 5 घंटे तक अपने सीने से लगाकर सोई रही। मामला कोटा इलाके का है। बच्ची के पास बंदर को देखकर मां की जान हलक में अटक गई। वो शोर मचाने लगी। काफी संख्या में गांव के लोग भी जुट गए। ये मादा बंदर आंगन में सो रही 5 माह की बच्ची को काफी देर तक अपने सीने से लगाए रही। माँ को डर ये था कि कहीं बंदरिया बच्ची को नुकसान ना पहुंचा दे। हालांकि 5 घंटे तक बंदरिया वहां पर लेटी रही, लेकिन बच्ची को खरोंच तक नहीं पहुंचाई। आखिरकार जू की रेस्क्यू टीम ने किसी तरह बंदरिया को बच्ची से अलग किया और उसे जंगल ले जाकर छोड़ा। इस मार्मिक पल को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ये मामला कोटा के ग्राम खरगहना गांव का है। जंगल से लगा हुआ क्षेत्र होने के चलते बंदर और दूसरे जानवरों की यहाँ आवाजाही लगी रहती है। मंगलवार सुबह 9 बजे के करीब इस गांव के निवासी नरेंद्र कुमार उइके के घर अंदर जो नजारा था, उसे देखकर परिवार के अन्य सदस्य घबरा गए। घर के आंगन में रखे पलंग पर 5 महीने की निधि गहरी नींद में थी। बाजू में एक लाल मुंह की बंदरिया बच्ची के सीने पर हाथ रखे हुए सो रही थी। बच्ची के बाजू में बंदरिया को देखकर उसकी माँ श्यामाबाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डरकर शोर मचाने लगी। जैसे ही बंदरिया को बच्ची से अलग करने का प्रयास किया गया, वो काटने के लिए दौड़ पड़ी। इस मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सभी बंदरिया को भगाने का प्रयास करते रहे, लेकिन बंदरिया बच्ची को सीने से लगाकर सोई रही। माँ को डर ये भी था कि कहीं बंदरिया बच्ची को उठाकर अपने साथ न ले जाए। दोपहर 12 बजे कानन जू की रेस्क्यू टीम यहाँ पहुँची। इसके बाद रेस्क्यू के लिए सामान निकाले तो बंदरिया डर गई और घबराकर बच्ची से दूर हो गई। बंदरिया के अलग होते ही रेस्क्यू टीम ने माँ को बच्ची को सौंप कर अंदर जाने को कहा। अंदर जाकर माँ ने दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद टीम ने बंदरिया को पकड़ने का प्रयास शुरू किया। हालांकि वो यहाँ वहाँ भागती रही। आखिर में बच्ची के साथ माँ को खिड़की के पास आने को कहा गया। बच्ची को देख बंदरिया खिड़की पर बैठ गई। उसी समय जाल फेंक कर उसे पकड़ लिया गया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।